अ वायर जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का सीबीएसई के अंदर बहुत बार आता है ये, ध्यान से सुनना है सबने। एक वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इज स्ट्रेच टू एंड टाइम द ओरिजिनल लेंथ। तो आपने ओरिजिनल लेंथ से एंड टाइम इसको खींच दिया, तो आपको ये बताना है कि नई रेजिस्टेंस क्या होगी। जब आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है पहले, पाई आर स्क्वेयर एल। तो वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वेयर एल, और नया वॉल्यूम क्या है, पाई आर डैश स्क्वेयर एल डैश। वॉल्यूम इक्वेट कर लिया, यहां से एल से एल, और नई लेंथ क्या है, एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, एल से एल कैंसिल, आर डैश स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। यहां तक वॉल्यूम इक्वेट करके आर डैश स्क्वेयर आ गया। पहले वाली वायर की रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। नई वायर की रेजिस्टेंस क्या है, रो नई लेंथ अपॉन नया एरिया पाई आर डैश स्क्वायर। नई लेंथ क्या है, एल इंटू एन। नया रेडियस क्या है, आर डैश स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर बाय एन, एन से एन मल्टीप्लाई, क्या आया, एन स्क्वायर। तो ये पुरानी रेजिस्टेंस है, तो नई रेजिस्टेंस क्या आ गई, एन स्क्वायर आर। फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, आज के बाद ऐसे नहीं करना, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, लिखो इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो रेजिस्टेंस आर डैश इज एन स्क्वायर इंटू आर। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर इंटू आर। लेकिन ये स्ट्रेचिंग के केस में, जब वायर को खींचेंगे तब, तो स्टेटमेंट लिखनी है, अगर वायर को आपने एन टाइम्स खींच दिया, लंबा कर दिया, तो आपकी रेजिस्टेंस एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, सीधा ऑब्जेक्टिव में लगेगा ये। जैसे क्वेश्चन आएगा, आपने वायर को तीन गुना ज्यादा लंबा खींच दिया, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, थ्री, तो आंसर क्या आएगा, थ्री स्क्वायर इंटू आर, यानी कि नाइन इंटू आर। आपने वायर को टू टाइम खींच दिया, तो टू का स्क्वायर फोर इंटू आर, सीधा ऑब्जेक्टिव में मार्क कर देना है, क्लियर है यहां तक। जैसे क्वेश्चन है, एक वायर है 10 ओम की वायर है और थ्राइस स्ट्रेच कर दिया, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, नई रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर इंटू आर, आर का मतलब 10, आंसर क्या आएगा 90। कोई डाउट इसमें, तो सीधा शॉर्टकट लग गया। अच्छा, अगर मान लो शॉर्टकट ऐसे लगाएं कि अगर आपके पास एक वायर है, इसकी लेंथ एल है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, मैंने इसको आधा काट दिया, L by 2, तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी, N की जगह क्या पुट करेंगे, 1 by 2, आंसर क्या आएगा, 1 by 4, ऐसा नहीं, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, तो क्या आंसर होगा। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला लगा लूं, R डैश इज N स्क्वायर R, हाँ या ना, नहीं लगाना, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब वॉल्यूम रिमेन्स सेम, जो स्ट्रेचिंग में या दबाने से हो सकता है, बस ये काटा गया है। जब काटा जाएगा तो पुराने रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाय एरिया ए, मैंने नए केस में ना तो एरिया को चेंज किया, ना मैंने रो को चेंज किया, क्या चीज़ चेंज की, लेंथ, लेंथ आधी की, तो रेजिस्टेंस भी हाफ। काटने वाले केस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ में जाएगा, एल हाफ है तो रेजिस्टेंस भी हाफ है। तो आप चेक कर लो, ये लिखा हुआ है मैंने, एक वायर को अगर मैंने काट दिया तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, रो सेम है, एरिया सेम है, तो लेंथ हाफ है तो रेजिस्टेंस भी हाफ है। स्ट्रेचिंग वाले केस में जब वॉल्यूम सेम रहेगा पुरानी और नई वायर में, तो एन स्क्वायर लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। और ये लास्ट क्वेश्चन, अगर एक वायर 16 ओम की रेजिस्टेंस है, इट इज मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब और फिर से एक नई वायर बनाई गई, तो वॉल्यूम रिमेन्स, लग सकता है एन स्क्वायर, ऐसा हिंट दे रहा हूं मैं, लग सकता है। वो कह रहे हैं लेकिन अब जो लेंथ बनाई वो आधी लेंथ बनाई, तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम अगर लेंथ आधी बनाई, तो वो जो वायर है वो थोड़ी साइड से मोटी बनी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा बना होगा इसका। आपको बता रहे हैं नई वायर की परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, पहले एक्चुअल मेथड लगाते हैं,
एक्चुअल मेथड बिना शॉर्टकट के, वॉल्यूम रिमेन सेम, पहले लेंथ एल है, रेडियस आर है, अब नई लेंथ एल बाई टू है, रेडियस आर डैश है, तो आर डैश स्क्वायर आ गया। पहले रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, अब रेजिस्टेंस क्या है, रो एल बाई टू पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर की जगह टू आर स्क्वायर, तो अगर मैं इसे और इसे डिवाइड करूं तो आंसर 1/4, तो नई रेजिस्टेंस कितनी है, आर बाई फोर। कोई स्टूडेंट है वो कहता है जी शॉर्टकट लगा लूं, लगा लो, कैसे, ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वायर मेल्ट हुई है, वॉल्यूम रिमेन सेम और वायर हाफ हुई है, तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, एन की जगह क्या पुट करें, हाफ, तो सीधा आंसर आर बाई फोर आता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब वॉल्यूम रिमेन्स सेम, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ए की शॉर्ट में आंसर आर बाई फोर आ गया, तो 16/4 ओम आ गया, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, पहले रेजिस्टेंस 16 है, अब 4 है, बाई 16 75% चेंज आंसर आ गया। ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपको एक शीट मिली है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 17, इसके अंदर ट्राई करने को मिलेंगे। आज के पूरे लेक्चर के न्यूमेरिकल इसमें, हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल, आप चाहें तो इन न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकते हैं, आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है जो नेक्स्ट टाइम करेंगे।